कुख्यात अंतर्राज्यीय तस्कर कमल राणा को जोधपुर सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतापगढ़ लाया गया है। भरत विश्नोई हत्याकांड में फरार कमल राणा को सीएसटी कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोतवाली थानाधिकारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी के मुताबिक 2011 में जोधपुर निवासी भरत विश्नोई की प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुख्यात तस्कर कमल सिंह राणा फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ की एससीएसटी कोर्ट ने राणा को फरार घोषित कर रखा था। इस मामले कोर्ट के आदेश पर प्रोडक्शन वारंट के जरिए राणा को जोधपुर सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतापगढ़ लाया गया और पेश किया गया। दरअसल कमल राणा पर मध्यप्रदेश और राजस्थान में 40 से ज्यादा लूट, हत्या और तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं। प्रतापगढ़ के रठांजरा थाना क्षेत्र का रहने वाला तस्कर कमल सिंह राणा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात है। राणा ने तस्करी की काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित की है।